तो आप देख रहे हैं फिल्म मसाला, नए रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। आज निकालते हैं कुछ फनी वीडियोस और आपको दिखाते हैं। तो तुझे पता है सबसे बेरोजगार कौन है? नहीं। अगर बेरोजगारी की एक परिभाषा देनी हो तो आपके मन में भी आज के बाद से याद आ जाएगा कि बेरोजगार सबसे ज्यादा कौन है। इस बंदे का नाम है अनुज यादव। अगर आप इसके बारे में जानोगे तो हैरान हो जाओगे। लोग भगवान के लिए दूर तक पैदल चल के आते हैं, लेकिन ये एल्विस यादव के लिए पैदल चल के आया, इसको पूरे 21 दिन लगे। क्या एल्विस भी अब लोगों के लिए भगवान है? हाँ, एल्विस बाबा। और आप लास्ट में जो एंडिंग है, ये जब एल्विस से मिल लिया, इसके बाद जब आप जानोगे तो और हैरान होने वाले हो। चलिए करते हैं स्टार्ट। भाई ये बहुत बड़ा बेरोजगार होगा जो एल्विस के लिए चल के आया है। इसको तकरीबन 21 दिन लगे एल्विस के पास पहुँचने में, और फिर ये एल्विस के से मिल लिया, और मिलने के बाद अब देख तू हैरान मत होइयो। ये देख भाई माला वाला कैसे पहना रहे हैं, ओलंपिक जीत के आया है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये एल्विस से मिल गया इसीलिए इसके गांव वाले इसे माला पहना रहे हैं। बिल्कुल वैसा स्वागत कर रहे हैं जैसा कि नीरज चोपड़ा का होना चाहिए, मतलब विनेश फोगाट का इतना अच्छा स्वागत नहीं हुआ जितना इस छपरी का हो रहा है, क्योंकि ये एल्विस यादव से मिल लिया। अब एल्विस भी लोगों के लिए भगवान हो चुका है क्या जो उसके लिए चल के आ रहे इतने दूर से? बताओ मतलब लोग स्वागत कैसे कर रहे हैं, मतलब यार देश में क्या क्या हो गया है देश को, मतलब ये जनरेशन बिल्कुल खराब हो चुकी है यार। एल जनरेशन है ये, देख रहे हो, मतलब और कोई काम नहीं, इसने 21 दिन साइकिल से कहां से पैदल आया ये पता है? किधर से पैदल आया तुम्हें क्या लगता है? गुरुग्राम तक पैदल गया, अलीगढ़ से गुरुग्राम तक पैदल गया ये बंदा। पूरे 21 दिन लगा के इसने पता नहीं किस किस से रिक्वेस्ट की, कमेंट में लोगों से बोल बोल कर एल्विस को कमेंट करवाया, और गुरुग्राम में रात को बंदा पूरे पूरे रात एल्विस के घर के बाहर पहरा देता और उसे बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करता। मतलब यार अगर आपको भी लगे ना कि बेरोजगारी की परिभाषा हो तो उसका नाम क्या होगा? अनुज। अनुज यादव। अगर आपको बेरोजगारी की कभी परिभाषा जानना हो, मतलब कोई बंदा इतना बेरोजगार कैसे हो सकता है यार, पर इसके गांव वाले इससे बड़े बेरोजगार, मतलब इसका फूल माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। भाई इसको गांव से निकालो, इसको बेदखल करो, इसको गांव में रखने की जरूरत नहीं है, वरना सारे गांव वाले को ये बेकार कर देगा भाई। अगर इतना ये भगवान के लिए चलता ना, भगवान आ जाते। बताओ यार, मतलब एल्विस आज से एल्विस नहीं, एल्विस बाबा की जय। चलिए अब नेक्स्ट मीम की तरफ बढ़ते हैं, और अभी डॉली चाय वाला की एक वीडियो देखते हैं फनी सी। मतलब भाई देखो डॉली जो है बहुत बड़ा इंसान बन चुका है, अब उसके पास फैंस तो आएंगे ही। सही तो बात है, अब देखते हैं ये फैन मोमेंट कैसा है। तो डॉली चल रहा है और इसके पास ये वीडियो, और ये कोई मारने आ रहा है। और ये क्या था, मुझे लगा बॉडीगार्ड इसे बाहर धक्के मार के निकाल ले। मतलब फैन सेल्फी के लिए उसको ऐसे खींच के, भाई कोई इज्जत है यानी सेलिब्रिटी है भाई ये, और इसने खिंचवा भी ली। ओ भाई मतलब कोई इज्जत नहीं है, छपरी जो ऑलवेज छपरी ही। ये कुछ ज्यादा ही कैजुअल था फैन, मतलब सेल्फी लेने का तरीका कुछ ज्यादा कैजुअल नहीं लगा? ये ऐसे पीठ से पड़ गया इधर आ गया जैसे लगा कोई मारने जा रहा हो। अब जो अगली वीडियो है ना, इससे मैं ये पता चलेगा कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। देखो मतलब इस औरत को लग रहा है माउंटेन ड्यू पी के बैठी है, डर के आगे जीत है। भाई मैंने कुत्ते को धोते हुए देखा था, बिल्ली को देखा था, पर सांप, मतलब सांप को धो रही है बड़े आराम से भाई, इसका जैसे रोज का काम हो भाई सही में। मतलब सच में इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, देखो मतलब बेफिक्र धो रही है सांप को, और ये सांप कुछ खरीदो बेचारा। हाँ। बोला भाई मुझे मत नहलाओ भाई, लगता है पालतू होगा, जब भी तो कुछ नहीं कह रहा। नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है पालतू है, बट औरत को डर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, लगता है पका के खाएगी, खा भी सकते हैं क्या पता। अब अगली वीडियो देखते हैं। अब गैस करना है हमें इसमें ब्राइड कौन है, मतलब दुल्हन कौन है। तो चलिए देखते हैं ये सब कुछ गेम वेम खेल ले भैया, अंग्रेजों का गेम है हमें समझ नहीं आता भाई। ये फिफ्थ पांचवी बच्चे, तो ब्राइड कौन होगी, ये कौन है सेकंड भाई, शादी से पहले। और ये फेवरेट डॉटर, ये नहीं पता ये कौन से नंबर की है लेकिन फेवरेट है। और इसके बाद ये तो पक्का होगी, यही होगी। नहीं नहीं, ये सबसे बड़ी डॉटर है, ये इतनी उम्र की डॉटर है भाई, दिखने में यही लग रही है ब्राइट तो मुझे। तो फिर दुल्हन कौन होगी, ये भी नहीं है भाई, ये पहली ही बेटी है, इतनी बड़ी, ये उसकी बहन है। चलो ये उसकी इतनी बुढ़िया, मतलब भाई तो दुल्हन ये है। मतलब फाइनली हमें पता चल गया, ये शायद इनकी पांचवी छठी शादी होगी मुझे लगता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेरोजगारी की परिभाषा कौन है? अनुज यादव।